तो आज का वीडियो जिस भी बारे में आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे, तो आज मैं बहुत रैंडमली ये वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ या वीडियो में क्या क्या आगे होने वाला है। तो अभी देख लीजिए, आज है 12 अगस्त और ये टाइम देख लीजिए आप लोग कि टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं। ठीक है, अभी 9 बज रहे हैं एंड मैं जस्ट आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं कुछ पॉइंट नोट आउट कर रही थी कि मैं वीडियो, मेरा अगला वीडियो किस बारे में होना चाहिए। तो मैं बस पूछ रही थी कि बताओ अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तो मेरी छोटी वाली बहन ने बोला कि विनोद के बारे में कुछ बनाओ। अब भैया विनोद को हम तो नहीं जानते, मतलब मैंने सुना है पिछले एक हफ्ता से ट्रेंड कर रहा है विनोद 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 विनोद। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट विनोद, करते हैं कुछ बात विनोद के बारे में कि क्या है भैया विनोद। तो भाई साहब, ये विनोद तो कोरोना वायरस से भी तेजी से फैला, यूट्यूब में इतनी तेजी से फैला कि हर जगह बस विनोद 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 चल रहा है। हु इज विनोद? जिस बंदे को आज तक किसी ने देखा नहीं, उसका सिर्फ नाम पढ़कर, किसी का वीडियो पे सिर्फ एक कमेंट पढ़कर, विनोद थारू, आई डोंट नो ये कौन है, वी डोंट नो ये कौन है। हम कोई भी नहीं जानते कि विनोद कौन है। हर YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये विनोद वायरस ही ट्रेंड कर रहा है, तो फिर हमारी वीडियोस कैसे ट्रेंड पर आएंगी? क्योंकि हम तो विनोद, मतलब विनोद भैया तो महान हैं, ना कभी फेस दिखाया, ना इनका कोई टैलेंट सामने आया, और क्या चल रहा है हर बंदे की जुबान पे चल रहा है बस विनोद। जी हाँ, विनोद। तो भैया कोरोना वायरस के चलते मास्क और सैनिटाइजर भी मार्केट में इतनी तेजी से नहीं फैले थे जितनी तेजी से विनोद एक हफ्ते में फैल गए यूट्यूब में। तो इतना तो लोगों के मुंह पे कोरोना के टाइम पे मास्क नहीं आया होगा जितना लोगों ने विनोद विनोद गाया होगा। अब भैया विनोद का नाम सुनकर किसी को कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, हंसी जरूर सबको आई है, वो भी बिना बात की, बिल्कुल विनोद की। और एक और बात भैया, विनोद भैया ने तो फिल्म मेकर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है अपनी वीडियोस, अपने मूवीज, अपने सॉन्ग्स का प्रमोशन करने के लिए। लेकिन विनोद जी ने तो सिर्फ एक कमेंट करके सारी जो निगाहें थी अपनी तरफ कर ली एंड इतना जबरदस्त प्रमोशन किया अपना, क्या ही बताएं, पता ही है आपको। और जब उनका कुछ नहीं हो पाया तो हम तो ठहरे, अभी अभी आए यूट्यूब पर, हम लोगों का क्या होगा, है ना। मेरा चैनल तो ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और रेसिपीज से रिलेटेड है। तो क्या मैं ये बनाऊं कि भैया बनाइए विनोद लड्डू सिर्फ 2 मिनट में, या फिर मैं ये बनाऊं कि पहनिए विनोद साड़ी और लगे बिल्कुल विनोद की तरह, या फिर मैं ये बनाऊं कि लगाइए ये विनोद फेस पैक और बिल्कुल विनोद की तरह सुंदर स्किन पाइए। आप लोगों को क्या लगता है विनोद के बारे में, कमेंट में जरूर बताओ, मैं जानना चाहती हूँ, उत्सुक हूँ मैं, क्या है विनोद। बस विनोद भैया आपने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया कि आपका नाम लेकर लोगों के चेहरे खिलने लगे, लोगों के चेहरे मुस्कुराए हैं, बहुत अच्छा काम किया। और एक और बात कि जब विनोद खुद इन वीडियोज़ को देखेंगे, ये ट्रेंड सुनेंगे ना, तो उनको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। खुद विनोद को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, तो लोगों को क्या समझ में आएगा। तो बस इस वीडियो का यही, आई डोंट नो कि मैंने क्यों बनाया ये वीडियो, बस मैं बात करना चाहती थी इस बारे में। तो मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल विनोद से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी विनोद से रिलेटेड नहीं है। मेरा चैनल रेसिपीज से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, विनोद से रिलेटेड नहीं है। विनोद की बात करते करते देखिए बाहर बारिश होने लगी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए गाइस, ये है मेरा नया गिटार। अब गिटार की से रिलेटेड आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है वी म्यूजिकल एंड व्लॉग्स, आप उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड उस पर मैं म्यूजिक से रिलेटेड, हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी वीडियोज। और ये वीडियो देख लीजिए कि अभी क्या टाइम हुआ है, 9:30 बज रहे हैं और 12 अगस्त है, और ये वीडियो मैं आज ही डालने की कोशिश करूँगी बिल्कुल अपलोड करने की। तो देखते हैं कि डाल पाती हूँ कि नहीं। विनोद भैया ने तो हमारे
एनर्जी लेवल हाई कर दिया एकदम। थैंक यू विनोद भैया। अब भैया विनोद तो एक हफ्ते के लिए ही ट्रेंड किया ना यूट्यूब पर, म्यूजिक तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, तो जाकर जल्दी से वी म्यूजिकल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। विनोद बनकर भैया वहाँ पे कमेंट में विनोद मत लिखना, बहुत हो गया विनोद विनोद। That's it today's video guys. I hope you guys like it. If you like it then subscribe to my channel. Musical and vlogs को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ किसी और video में, प्यारी से video में। तब तक के लिए till then bye bye, Allah Hafiz.